आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ Lakme ब्रांड की न्यू सनस्क्रीन। एंड उसे अभी टाइम हो चुका है, बट मेरे लिए वो न्यू है, मैं उसे न्यूली ट्राई कर रही हूँ। एंड उस सनस्क्रीन का काम ऐसा है ना कि भाई उसे अप्लाई करने के बाद आपको कोई भी लाइक बीबी या सीसी क्रीम या फिर नॉर्मल टिंटेड फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसा वो सनस्क्रीन क्लेम करती है। तो आज की इस वीडियो में उस सनस्क्रीन का रिव्यू करने वाली हूँ। एंड साथ ही मैं आप में से बहुत सारे लोगों को उसका रिव्यू चाहिए था, तो आज की वीडियो में उसका प्रॉपर रिव्यू एंड साथ में डेमो शेयर करूंगी। भाई ये जो सनस्क्रीन क्लेम करती है वैसा ही वर्क करेगी या नहीं करेगी, एंड आपको सनस्क्रीन को परचेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सारे हर एक चीज में शेयर करूंगी आज की इस वीडियो में। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, एंड बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। तो नाउ स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं बात करने वाली हूँ इस सनस्क्रीन के बारे में, ये है Lakme की सनस्क्रीन। एंड इसके नेम एंड रिव्यू की बात कर लेते हैं। तो इसका नेम है Lakme सन एक्सपर्ट ब्लॉक अप टू 97% यूवीवी रेज SPF 50 PA ट्रिपल प्लस एंड सेकेंड टिंटेड सनस्क्रीन नेचुरल टोन अल्ट्रा मैट ऑल स्किन टाइप प्लस डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है ये। सो ये ऑल स्किन टाइप सनस्क्रीन है, तो सभी स्किन के टाइप लोग इसे यूज कर सकते हैं। एंड ये टिंटेड सनस्क्रीन है, आपको इसमें आपको एकदम टिंटेड सी कवरेज मिलेगी। तो ये दो काम एक साथ करने वाली है, एक तो ये सनस्क्रीन है एंड सेकेंड चीज ये आपका एक नॉर्मल टिंटेड BBS सीसी क्रीम जैसा वर्क भी करेगी। तो इसकी पैकेजिंग आप देख लो, एंड मैंने इसे ऑनलाइन परचेज करा है नायका से, वहां से मुझे पैकेजिंग थोड़ी सी बेकार रिसीव हुई है। एंड पूरी पैकेजिंग पे ऐसे टेप लगा हुआ था इसकी, दैट्स व्हाई ये आप देख सकते हैं स्पॉट लगे हुए हैं टेप के, तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, बट बाकी हर एक चीज बेटर है। इसकी पैकेजिंग कुछ इस टाइप की है एंड बैक साइड से कुछ ऐसी है। एंड नाउ बात कर लेते हैं इसकी प्राइस रेंज की। तो प्राइस रेंज इसका है 575 रुपीज, एंड इसका छोटा वेरिएंट भी अवेलेबल है, ये है 100 ml, एंड इसका 50 ml भी अवेलेबल, आप चाहो तो वो परचेस कर सकते हो। एंड सेकेंड चीज की सेल्फ लाइफ इसकी 2026 तक है, जो कि बहुत आराम से चलने वाली है। तो इसे मेंशन है कि एकदम लाइट वेट है, साथ में आपके फेस पे नॉन स्टिकी सी फीलिंग नहीं आएगी, एंड आपका जो फेस है ना एकदम परफेक्ट लगेगा। लाइक ऐसा नहीं कि आपका फेस एकदम ही गोरा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं करेगी, एंड साथ में व्हाइट कास्ट भी नहीं करेगी, एंड हल्का सा आपके डार्क स्पॉट्स को एकदम लाइटन अप कर देगी, जिससे कि आपको कोई भी अदर क्रीम वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं रहेगी इसके ऊपर, लाइक जो हम लोग बीबी या सीसी क्रीम वगैरह यूज करते रहते हैं। एंड बाकी इसके इंग्रेडिएंट में अवेलेबल है वाटर, एंड साथ में जिंक ऑक्साइड इसमें अवेलेबल है, एंड ऐसे हार्मफुल केमिकल्स नहीं है जो कि आपकी स्किन को हार्म करेंगे। एंड सेकेंड चीज, कोई भी चीज या फिर सनस्क्रीन या कुछ भी अगर आप परचेस कर रहे हैं, तो यूज करने से पहले अपने फेस पे यूज करने से पहले आपको पैच टेस्ट करना, लाइक नेक पे अप्लाई करके देख लो या फिर हैंड पे अप्लाई करके देख लो, जिससे कि आपके फेस पे अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करते हो अगर कुछ भी रिएक्शन होना होगा तो वो आपके पहले नेक पे होगा या फिर हैंड पे होगा, आपका फेस बच जाएगा। इसलिए यू नो पैच टेस्ट मैं पहले रिकमेंड कर देती हूँ। तो यार ऑल ओवर गाइस, ये सनस्क्रीन मेनली आपके स्किन पे जब अप्लाई करोगे तो आपको एक मैट फिनिश देगी, एक नेचुरल सा लुक आपको मिलेगा, एकदम ऐसा नहीं कि हैवी सा कुछ आपने लगाया ऐसा फील नहीं होगा, ऐसा ये क्लेम कर रही है। साथ में नॉन स्टिकी फील नहीं होगा, एंड इस टाइम पे समर में क्या होता है, हम लोग नॉन स्टिकी वाली चीजें नहीं अप्लाई करते हैं, एंड बहुत ही ज्यादा हैवी से सनस्क्रीन भी नहीं पसंद होती है। तो उसके लिए ये सनस्क्रीन क्लेम कर रही है कि ऐसा कुछ भी इसे अप्लाई करने के बाद आपको नहीं फील होगा। एंड बाकी हम लोग इसका देख लेते हैं स्वॉच, एंड साथ में इसका टेक्स्चर देख लेते हैं, एंड फिर देख लेते हैं डेमो से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट मैं आपको इसका टेक्स्चर दिखाऊंगी, टेक्स्चर एकदम टिंटेड लाइक क्रीम जैसा है, एंड मैं आपको पास से दिखाती हूँ, यू कैन सी। एंड अब मैं इसे आपको हल्का सा स्वॉच करके दिखाती हूँ, यू कैन सी, ये मतलब एकदम बहुत ही लाइट वेट टेक्स्चर है, स्मूथ फिनिश है, यू नो क्रीमी टेक्स्चर कह सकते हैं, एंड फ्रेग्रेंस तो बहुत अच्छी है, एंड साथ ही में इजिली ब्लेंड हो जाएगी, यू कैन सी। एंड अभी मैं आपको डिफरेंस भी दिखाऊंगी कि भाई क्या डिफरेंस आ रहा है इसे अप्लाई करने के बाद। तो ये अप्लाई हो चुकी, बहुत जल्दी ब्लेंड हो गई, वैसे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा ब्लेंड होने में से। नाउ डिफरेंस देख लेते हैं, यू कैन सी गाइस, काफी हद तक डिफरेंस देखने को मिल रहा है मुझे मेरे हैंड पे, ये साइड काफी ज्यादा स्मूथ एंड साथ में मैट लग रही है, एंड एक हल्का सा ग्लो भी प्रोवाइड है, जैसे कि ये क्लेम कर रहे हैं टिंटेड क्रीम जैसा। तो ये बिल्कुल डेफिनेटली वर्क कर रही है, टिंटेड वाला वर्क तो डेफिनेटली कर रही है, साथ में मैट लुक प्रोवाइड कर रही है, एंड यू नो नॉन स्टिकी नहीं है,
बहुत जल्दी ब्लेंड हो गई, सच में बहुत जल्दी ब्लेंड हो गई है। एंड कोई व्हाइट कास्ट भी नहीं है, नेचुरल फिनिश है, तो भाई किसको नहीं चाहिए एक सनस्क्रीन में ऐसे सारे वर्क जो कि हम लोग यू नो चाहते हैं कि भाई एक ही चीज़ अप्लाई करना पड़े, ज़्यादा कुछ नहीं अप्लाई करना पड़े फेस पे, तो उसके लिए आई गेस ये बेटर होने वाली है। एंड अभी अप्लाई करके देख लेते हैं फेस पे। तो फेस पे अप्लाई करने के बाद तो आपने देख ही लिया है भाई क्या डिफरेंस दे रहा है ये, कि इतना ज़्यादा नहीं कि हाँ एकदम ही आपको ऐसा फील दे कि आपने कुछ फाउंडेशन अप्लाई करो वैसा लुक दे दे, ऐसा आप लुक नहीं देगी, लेकिन आपका एक दो शेड, एक शेड लाइट हो जाएगा जिससे कि आपको प्यारी सी कवरेज मिलेगी। आप डेफिनेटली सनस्क्रीन को अप्लाई करके जा सकते हो बाहर, आपको कुछ भी अदर से अप्लाई करने की नीड नहीं होगी। जैसा ये क्लेम कर रहा है वैसा ही वर्क कर रही है। आपका काम सिर्फ एक ही सनस्क्रीन से नहीं चलने वाला है, बिकॉज आपको आपकी बॉडी पे भी सनस्क्रीन अप्लाई करनी होगी, इसके लिए ऐसे आपको दो परचेस करनी पड़ेंगी। अगर आप चाहो तो सिंगल परचेस कर सकते हो जो आपकी बॉडी और फेस पे दोनों के लिए काम करे, एंड अगर आप चाहते हो अलग अलग परचेस करना तो आप अलग अलग भी परचेस कर सकते हो। तो मेरी साइट से आप इसे बाय कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक कर लेना। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी सनस्क्रीन के बारे में। एंड अगर आपने इस सनस्क्रीन को ट्राई करा है तो मेक श्योर मेरे साथ में कमेंट में आपके जरूर शेयर करेगा इसका एक्सपीरियंस। एंड ऑल्सो ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, एंड चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में लाइक मंडे सैटरडे से, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ, बाय बाय गाइस।